गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? तब आपका परीक्षा 12 का ख़त्म हो गया है। कुछ लड़का तैयारी में लगे होंगे, अगर मैथ ऑप्ट किया है तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे, बायोलॉजी ऑप्ट किया है तो नीट की तैयारी करते होंगे। हम थोड़ा सा तुमको ये बताएंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि 12 जो स्कूल लाइफ है, तो स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है तुम्हारा, देखोगे कि 10% जो लड़का होता है, जो जनरली देखोगे नॉन अटेंडिंग में 12 पास करता है और अपना कोटा या कहीं इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स में उस ज्वाइन किया रहता है, तो वो तो निकाल लेता है। लेकिन 80% लड़का का क्या होता है? अब तुमको ये देखना है, क्योंकि 12 जैसे आप करते हो तो 12 के बाद क्या होता है, आपका बहुत सारा स्कोप है। आप 12 के बाद जॉब भी कर सकते हो, कहीं भी आप काम कर सकते हो, या 12 के बाद आगे क्या करना है। तो मेरा हेडिंग ही यही है, देख लो, 12 स्कूल लाइफ खत्म, व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू चूज द राइट कैरियर, कैसे आप राइट कैरियर। क्या होता है जनरली देखोगे, खास करके देखोगे साइंस स्ट्रीम में क्या होता है, जो लड़का बायोलॉजी ले रहता है तो पेरेंट का भी प्रेशर रहता है नीट की तैयारी करने के लिए। होता क्या है, आप 12 पास करने के बाद नीट की तैयारी शुरू करते हो, तो ये तो तुमको पता है कि हम नीट क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट को नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि हम कहाँ तक, कहाँ पर हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप नीट की तैयारी नहीं करो, लेकिन होता क्या है कि सपोज करो आप 12 पास किए, आप नीट की तैयारी, आप कोचिंग करने लग गए, तो 1 साल तो आपका कोचिंग में ही गया, दूसरे साल मान लो, तीसरे साल बाय दी वे नहीं अगर होता है, तब 3 साल आपका आप पीछे हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे आप 12 पास करते हो तो आप देखोगे कहीं किसी भी स्टेट में जाओगे, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे बिहार में हो, कहीं भी हो, आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि मोर और लेस हर जगह देखोगे कॉलेज का सेशन क्या है, तुम्हारा पीछे चलता है। और कुछ ही कॉलेज में जो है ये शर्त रहता है कि आपका अटेंडेंस 75% पूरा चाहिए, बाकी मोस्टली कॉलेज में क्या है, आप गए या ना गए उसे कोई फर्क नहीं होता है, समय पर उसका परीक्षा जिस दिन होता है जाके परीक्षा दो, पास करो, और जनरली सब पास हो ही जाता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, हम 12 की बात बोल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लो, ताकि अगर आपका नीट नहीं हो पाता है तो ये जो 2 साल 3 साल जो आप समय जो किल किए हो, तो वो समय आपका क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हो तो फिर तो आगे या तो आप जॉब करो या नहीं तो ग्रेजुएशन में जाओ। अब ग्रेजुएशन के बाद ही जो है तुम्हारा अच्छा अच्छा जॉब जो होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, आप वो करोगे। अगर वो आर्ट्स का लड़का है तो आगे पढ़ेगा ही, ग्रेजुएशन में जाएगा, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट को वो ऑप्ट करे। लेकिन एक चीज हमेशा यहां पर याद रखना कि 12 के बाद जो है ना जॉब का द्वार खुल जाता है, आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, पार्ट टाइम भी आप कोई काम कर सकते हो, यहाँ पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब यहाँ पे यह आता है ना कि पेरेंट का खर्चा थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो जनरली देखोगे 80% जो बच्चा होता है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, जिसके पेरेंट का इनकम उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो ये तुमको डिसाइड करना है, पेरेंट भी थोड़ी कहेगा कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको, तुमको डिसाइड करना है। तो अगर आप चाहोगे तो कोई जॉब भी कर सकते हो, और जॉब करते हुए आप आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि देखोगे हर साल, खास करके देखोगे बायोलॉजी में, नीट में 16 लाख बच्चा भरता है, उस 16 लाख में मात्र 11 से 12 हजार बच्चे का एडमिशन होता है। तो थोड़ा सोचो ना, आप कहाँ पे हो, आप क्लास में कहां पे आपका पोजीशन आता था, तब उस 16 लाख में सोचो ना। तो एज को भी ध्यान में रखना है। तो उस बेटर क्या होता है कि अगर सपोज करो आप 12 बायोलॉजी लिए हुए हो और आपकी इच्छा है देना, दो आप नीट की परीक्षा, लेकिन जैसी रिजल्ट निकलता है आप आगे एडमिशन मस्ट ले लो, चाहे सब्जेक्ट जो भी तुमको लेना है।
आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स लो, बायोलॉजी लेके पढ़ना है, जूलॉजी लेके पढ़ना है, बोटनी लेके पढ़ना है, लेकिन एडमिशन मस्ट करा लो ताकि आपका सेशन, आपका बैच जो क्लासमेट है वो साथ साथ रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चा उस नीट के चक्कर में 2-3 साल बर्बाद कर देता है, नीट नहीं क्वालिफाई कर पाता है, अब क्या करेगा, फिर से उसको ग्रेजुएशन में आना पड़ता है। अब उसके साथ जो पढ़ता था तो आगे बढ़ गया है ना, तो थोड़ा सा क्या होता है वहाँ पर इनसिक्योर फील होता है। तो उस इनसिक्योर ना आवे तुम में, तो बेटर है आप कहीं पे आप एडमिशन ले लो। अब रहा देखो हाउ टू चूज द राइट कैरियर, क्योंकि यहीं से आपका कैरियर डिसाइड होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हो, आपकी इच्छा क्या होता है, किस फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं। यहां से आप कंप्यूटर के फील्ड में भी जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हो, जहां जाना चाहो वहां जाना चाह सकते हो। 12 के बाद आप डिप्लोमा करके कुछ भी कर सकते हो आप। अब देख लो, अगर आपका मैथ है तो इंजीनियर, अगर तुम डिसाइड किए हुए हो कि हमको इंजीनियर ही बनना है, तो अब फिर यहां पर आता है आप अपने को जज करो कि क्या मैं IIT कंपीट कर सकता हूं, क्या वहां तक है मेरा पोजीशन। अगर आपको लगता है नहीं मैं उस में नहीं फिट हो रहा हूं, अगर तुमको इंजीनियर ही बनना है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। क्यों आप 1-2 साल आप बर्बाद करोगे उस IIT की तैयारी के लिए, बेटर है आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो। तो आपका सेशन सही रहा, 4 साल में आपको डिग्री मिलेगा, जॉब तो मिलवे करेगा आपको। अब वहां जॉब में, जहां जॉब होता है, भले क्या होता है, एक IITian और एक नॉन IIT में यही फर्क होता है कि IIT को पहले सेलेक्ट कर लेता है, नॉन IIT को, तो उसका वो बॉस बनता है। लेकिन जिस कंपनी में आप जाते हो तो वो कंपनी तो आपका परफॉर्मेंस देखेगा, चाहे वो IITian हो चाहे नॉन IITian। अगर सपोज करो नॉन IITian का परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छा है, तो कभी कभी ये भी सिचुएशन आता है कि उन नॉन IITian को उस IITian के ऊपर बैठा देता है, उसका बॉस वो बन जाता है। तो ये तुमको डिसाइड करना है, अगर तुम उस IIT में फिट हो कि नहीं मैं कर सकता हूं तो आप लगो, और नहीं अगर ये डिसाइड किए हो कि मेरे को इंजीनियर ही बनना है और जान रहे हो कि हम उसमें फिट नहीं आ रहे हैं, नहीं हमसे होगा, तो बेटर है बेटा किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सा है इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज, एडमिशन लो। तो आपका सेशन भी चला, इधर जो 2 साल आपका बर्बाद, 2 साल में तो आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में रहोगे ना, और 4 साल का कोर्स है, 4 साल के बाद देखो तुरंत जॉब मिलता है, चाहे वो जो भी तुमको मिले जॉब तो मिल ही जाएगा। अब वहां पे आप अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, कोई भी कंपनी में जितना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा करोगे, जो उस कंपनी का टारगेट है, तो आपका प्रमोशन ऐसे ही क्या होता है, होते चला जाता है। देखोगे जिस समय आप ज्वाइन करते हो आपसे जो सीनियर है उसका परफॉर्मेंस नहीं सही है, 2 साल के बाद देखोगे उस सीनियर का आप बॉस बन गए, तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपको जज करना है बेटा। हर पेरेंट का इच्छा होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आपको भी तो देखना है ना कि मैं उस 16 लाख बच्चे में कहाँ मेरा पोजीशन आता है नीट में, चाहे वो IIT में मेरा कहाँ पोजीशन आता है। तो अगर आप राइट चॉइस नहीं चूज करते हो तो फिर देख लो क्या होता है। देख लो यहाँ पर पेरेंट भी परेशान है, देख लो पेरेंट बच्चा के साथ, पेरेंट परेशान है। आजकल क्या होता है, बच्चा से ज्यादा पेरेंट परेशान रहता है कि उस पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा कोई ना कोई मुकाम पे पहुंच जाए। बच्चा तो उतना नहीं परेशान रहता लेकिन उसका पेरेंट परेशान रहता है, ठीक है। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि कैसे, कौन सा, कहां आप जाना चाहते हो वो कैरियर। अगर सही ढंग से अगर चूज नहीं करते हो, सुनो सबका, करो अपने मन का। हमने आपको बोला ना कि 12 के बाद तो आप जॉब भी कर सकते हो, छोटा मोटा जॉब करके भी अपने पेरेंट का थोड़ा सा तो हाथ बटा सकते हो, अपना पॉकेट खर्चा भी निकाल सकते हो और आपकी एडुकेशन भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। नहीं, अगर आपका च्वाइस अगर सही नहीं होता है तो लास्ट में जानते हो क्या होता है, आप एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाओगे।
ये देख लो, नहीं होगे कुछ नहीं, अगर कर पाओगे तो लास्ट में देख लो क्या होता है, ये भीड़ का हिस्सा बन के आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगा और उस भीड़ के साथ रहोगे। अब तो पेरेंट तो जब तक जिंदा है आपका तो खाना देवे करेगा, ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं देगा। लेकिन क्या होता है इसके बाद, अगर राइट चॉइस, राइट कैरियर अगर नहीं चूज कर पाते हो तो उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। फ्रस्ट्रेशन के चलते आप डिप्रेशन में जाओगे, लास्ट में क्या होगा देख लो, ये भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। आप अपनी पहचान, आप अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दोगे। इसलिए बार बार बोलते हैं, सुनो सबका, करो अपना। 12 जैसे ही रिजल्ट निकलता है तुरंत कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, और आपको अगर इंजीनियरिंग की तैयारी करना है इंजीनियरिंग की तैयारी करो, या मेडिकल की तैयारी करना है मेडिकल की तैयारी करो, लेकिन ग्रेजुएशन मस्ट एडमिशन ले लो, ताकि आपका एज भी सेव रहे और सेशन भी आपका कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इतना हमको आज आपको 12 के बारे में बोलना था। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, हम 12 का क्लास भी शुरू कर रहे हैं। बाय।